Anlamadı. Çorak çorak. नमस्कार, आप देख रहे हैं SDF Live India और मैं हूं गौरव सिन्हा। कोरोना की दूसरी लहर ने पहले से कहीं ज़्यादा कोहराम मचा रखा है। अन्य जगहों की तरह बिहार में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से सख्ते में पड़ी सरकार लगातार बैठकें कर कोरोना के रोकथाम को ले कई कदम उठाने की बात कर रही है। लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि इंसानों के देह को जलाने या दफनाने के लिए शमशान और कब्रिस्तान में लोगों की भारी भीड़ देखकर शायद शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान का भी कलेजा फट रहा है। बावजूद इसके गैर जिम्मेदार लोगों को ना ही अपनी चिंता है और ना ही परिवार अथवा समाज की। स्थिति यह है कि कुछ खास वर्ग के लोग ना ही मास्क लगाने को तैयार हैं और ना ही सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। आप छोराक छोराक लाला लाला मनीष के पता चल गया था। अन्य जगहों की तरह खगड़िया जिले के भी कुछ इलाके के लोग अपनी जिंदगी को शायद खिलौना मान बैठे हैं। शहरी इलाके में कम से कम ना ही तामझाम के साथ शादी की बारात आ जा रही है और ना ही मैयत में लोगों की भारी भीड़ का नज़ारा दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके का नज़ारा कुछ और ही है। कहीं शादी श्राद्ध के नाम पर भोज का आयोजन हो रहा है तो कहीं पूजा के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की भारी भीड़ जुटाई जा रही है। बात अलग है कि मामला प्रशासनिक स्तर तक पहुँचने के बाद कार्रवाई भी हो रही है। अलौली प्रखंड अंतर्गत दहमा खैरी कुठा पंचायत से सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद भले ही मेले के आयोजनकर्ता के विरुद्ध अंचलाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाबत थाने में तहरीर दी गई हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के बाबत थाना स्तर तक सूचना आखिर क्यों पहुंची? मेले का आयोजन कर हजारों की भीड़ जुटाने के बाद भी मोरकाही थाना पुलिस को इस बात की जानकारी अगर नहीं मिली तो यह आश्चर्य का विषय है। रात्रि में मेले का आयोजन कर नाइट कर्फ्यू व सामाजिक दूरी का पालन करना लोग गुना समझते रहे तो दिन के उजाले में पहलवानों को अखाड़े में उतार कर आयोजनकर्ताओं ने सरकारी गाइडलाइन के सामने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर दी। सवाल तो अनगिनत हैं, लेकिन सुलगता सवाल यह है कि सरकारी आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया? किसके संरक्षण में मेले का आयोजन किया गया? अगर इस तरह की दबंगई का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? वैसे इस तरह का नज़ारा देखकर अलौली के अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार के द्वारा संज्ञान लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए मेले के आयोजनकर्ताओं को न केवल चिन्हित किया गया है बल्कि प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। अलौली खगड़िया से प्रवीण कुमार प्रियांशु की रिपोर्ट। इसी तरह देश दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।